हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी गई। बारिश की वजह से दूसरे दिन खेल नहीं हो पाया। पहले दिन के खेल में मयंक अग्रवाल का डिसमिसल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। मयंक अग्रवाल 60 के स्कोर पर LBW आउट हुए थे। लुंगी इंगिडी गेंदबाजी कर रहे थे। लुंगी इंगिडी ने गेंद की थी और मयंक अग्रवाल के पेट पर लग गई थी, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया था। साउथ अफ्रीकन टीम ने उसी समय DRS लिया था। थर्ड अंपायर ने मयंक अग्रवाल को आउट दिया, लेकिन गेंद विकेट को नहीं छू रही थी। फिर भी थर्ड अंपायर ने मयंक अग्रवाल को आउट दिया। इस पर वसीम जाफर ने बयान दिया है। वसीम जाफर के मुताबिक मयंक अग्रवाल की किस्मत अच्छी नहीं थी, इस वजह से मयंक अग्रवाल 60 रन पे आउट हुए। उस समय इंडियन टीम बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही थी। 117 रन इंडियन टीम ने बनाए थे और एक भी विकेट नहीं गिरी थी। उसके बाद मयंक अग्रवाल की विकेट गिरी और 117 रनों पर पहला विकेट इंडियन टीम का गिरा था। तब तक मयंक अग्रवाल और KL राहुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे